वीडियो में आपने एक बार बोला था कि ब्लैक होल के बारे में, तो हर ग्रह का ब्लैक होल है, और बोला था कि इंसान में भी ब्लैक होल होता है, हर एक इंसान का। मुझे ठीक समझ में नहीं आया था। एक समझाया था आपको हर चीज की ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट लेकर, इनलाइटनमेंट की। जब इनलाइटनमेंट की जब घटना घटती है, जिसे हर ग्रह नक्षत्रों की अपनी है, जब एक समय में वो समा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो फैलाव है ना, मन की फैलाव, विचारों की फैलाव, इंसानों के अंदर के सूक्ष्म जगत की जो फैलाव है, जब इनलाइटनमेंट की जब घटना घटती है, तो वो भी एक ब्लैक होल की तरह वो सब समा जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल, क्या ब्लैक होल है ऊपर कहीं हमारे ऊपर? स्थूल को मत पकड़ो, मैं इसके पीछे सूक्ष्म बातें कही थी। आप पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी का अपनी ब्लैक होल है, पृथ्वी तत्व आप में है, तो पृथ्वी सहित, पृथ्वी तो से अलग नहीं है ना, तो पृथ्वी में है ना, तो पृथ्वी से अलग मत समझो अपने आप को, प्रकृति से अलग मत समझो, तो है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं हमारे एक एक एटॉम के अंदर, जैसे बोल रहे हैं तोड़ते जाओ एक ऐसा जगह जहां कुछ भी ना हो, खत्म हो जाए। वही ब्लैक। आप इनलाइटनमेंट की घटना हमारे जो सूक्ष्म जगत में जो घटती है ना, जैसे हम स्थूल को पकड़े थे कि स्थूल को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एम्प्टीनेस चला गया, और एक स्तर पे हर ग्रह की अपनी ब्लैक होल होती है, स्थूल स्थूल दृष्टि से समझाने के लिए, स्थूल और सूक्ष्म को कनेक्ट करने के लिए प्रयास किया था कि स्थूल की जिस तरीके से है उसी तरह सूक्ष्म जगत की भी हमारी है, स्थूल को तोड़ते तोड़ते जाओ तो अंत में भी स्पेस मिल गई। इस तरीके से हमारी जो मन बुद्धि विचार, इन सब का भी एक अपना, जब वापसी होगी इनलाइटनमेंट की तरह, तो ये भी ब्लैक होल की तरह अपनी ओर खींच लेगा, इनलाइटनमेंट यानी खींच लेगा, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा सबको, मैं को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तब कोई ना देवी बचेगी ना उसको पूजने वाला बचेगा फिर, क्योंकि सब ब्लैक होल में चला गया। स्थूल से सूक्ष्म में जाओ, उसको एक तुलना करके बताया गया था कि ऐसे ही कुछ होता है इनलाइटनमेंट के साथ भी, और वो है तो वो तो सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ये बुद्धि जी दौड़ रही ना, बुद्धि वही तो, क्योंकि बुद्धि जितने दौड़ेगी अंत में बुद्धि गिर जाती है, पहले दौड़ानी पड़ती है, बुद्धि तो पूरी लगानी पड़ेगी, अंत में बुद्धि भी गिर जाएगी, क्योंकि बुद्धि से तो पकड़ में आएगा नहीं, बुद्धि से तो समझ में आएगा नहीं, बुद्धि से समझ में तो आएगा नहीं। जो जितना बुद्धि लगाएगा कभी समझ में नहीं पाएगा, बुद्धि गिर जाती है, समझ वहां गिर जाता है। आगे बढ़ते रहो, जैसे ही वो आएगा लगाते रहना बुद्धि, क्योंकि बुद्धि समा जाएगी इस ब्लैक होल में, एक दिन बुद्धि भी गायब हो जाएगी, तब होने में हो जाओगे पूरा। 6 महीने बाद में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जैसा कहा जा रहा है करते रहना, तुरंत नहीं आएगा, मुझे भी तुरंत नहीं आया था, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम जिंदगी भर बाहर की स्थूल चीजों पे बुद्धि लगाए हैं ना, तो घुमा फिरा के हमारी बुद्धि उसी में उसी तरह से पकड़ती है, नहीं, माइक नहीं। लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी, आ जाएगी, आना ही है। देखा ना, अब भी अंतिम सत्ता सामने कहाँ छलांग लगा दिया, मतलब अद्वैत से फिर द्वैत में हम आ गए, अब द्वैत में भी तो बात करनी पड़ेगी। आपको कुछ फील नहीं करना है, जो हो रहा है सो हो रहा है, हाँ बस जो हो रहा है बस होने में हो जाओ, लेकिन ये जब तक आप लोग हो रहा इसमें रहोगे तब तक आपके अंदर गुस्सा भी रहेगा, हाँ मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक तो आप है तो आपको कोई गुस्सा भी आएगा। हाँ, वो फील नहीं करना कि वो आ
ये यंत्र है, यंत्र प्रकृति का बस एक यंत्र है। यंत्र में जो भी घटित हो होने देना है, जो अंतिम सत्ता कहा जा रहा है उसको पकड़ना है। ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म ही सत्य है, असत्य एक विचार है, फिर ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्म भी एक विचार है। ब्रह्म सत्य है तो विचार को ही पकड़ा है अभी। इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोग बताइए, किसी भी, मान लीजिए माता रानी के कई भक्त हैं, मुझे और भी बोले, जो माता रानी की फोटो बनाई गई है या इमेज बनाई गई है, ये तो पहले कभी अपने अंदर की शक्तियों को किसी ने जाना होगा। शक्तियां तो है, द्वैत के फील्ड में तो शक्तियां ही शक्तियां है, शक्ति मीन्स एनर्जीज। तो उसने सोचा होगा कि अरे ऐसा कुछ है, तो उसने अपने मन में उसकी छवि बनाया होगा, अपने मन में उसने कल्पना किया होगा। उस कल्पना में, जैसे कभी लोग उस कल्पना में खो जाते हैं तो ढेर सारी चीज़ें, या आर्टिस्ट लोग मन खो जाते हैं तो कितने सुंदर सुंदर चित्र बना देते हैं जो कि कभी कहीं नहीं है, लेकिन अपने अंदर की भावना को मन की छवि में उतार देते हैं, अपने अंदर की शक्ति को मन की छवि में उतार देते हैं। तो मन की छवि से फिर स्थूल में उतार देते हैं, स्थूल जगत में उतार देते हैं, कल्ट बना देते हैं, फोटो बना देते हैं, और वो हजारों साल पहले, 4,000-5,000 साल पहले उतर गया, वो चीज़ें चलती आ रही है, क्योंकि जब पहली बार किसी ने बनाया उस वक्त अब खड़ा होकर देखा नहीं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब तक मैंने सोचा था कि देवी देवता ऐसे ऐसे जितने हैं, काली शिवा जब तक है, तब तक इसको मैं पकड़ के रखा था, तब तक मैं अटक गया था। एक पॉइंट आया कि ये सब कुछ नहीं है, अंतिम सत्ता है ही नहीं, तब बातें विस्फोट हो गई। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी आप में शक्ति नहीं है इसको समझने के लिए, तो नहीं होगी। यहाँ हमने समझाया, बाहर में गया तो वो जाके, मैं इधर खड़ा हूँ फिर भी जाके वहीं पे हो स्टार्ट हो गया। एक बार आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे मेरे नज़र में, तो आप प्रकृति के कण कण का भी आप झुको, तो आप अपने आप को अपने आप से झुक रहे हो। तो कुछ नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना है। चलिए।